बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभीप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों हमारे एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आप लोगों के हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स हो चुके हैं, है ना। और हम पूरी आशा कर रहे हैं कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे और हमारे जितने भी बच्चे वो मेरिट लिस्ट में आने वाले 90% तो पक्का है। क्यों, आप लोग की तैयारी इतनी तो हो गई है ना। मैथ्स का पेपर आप दे चुके हैं और 13 तारीख को क्या है, 2 दिन बाद ही क्या है, 1 दिन बाद क्या है, हमारा साइंस का पेपर है। तो हरिसन ने क्या है, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा पढ़ा चुका है। हो सकता है कुछ चीज़ें और बची हों। मैं क्या पढ़ाऊंगी, फिजिक्स। तो आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल नहीं घबराना। ये मत सोचो कि साल भर नहीं पढ़ा, ये भूल जा रहे, डेरिवेशन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे नहीं करेंगे। सब पढ़े हो और हर चीज़ का प्रपोर्शन में पढ़े हो, बहुत अच्छे से पूरे साल भर पढ़ाई की है आपने, हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई की है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तैयारी भरपूर है। बस क्या है, वो एक एक गोली हमको दे के आनी है ना। और साइंस में 3 गोलियाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बिल्कुल डरना नहीं है। सब तैयारी है, आप लोगों को बस क्या है, रिवाइज करने की देरी है। सही टाइम में सही रिवाइज, बस हो गया। 100% आपके अच्छे एग्जाम होंगे, ठीक है। चलो पहले पेपर को देख लेते हैं भाई, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर बच्चों आप लोग ये देखें, फिजिक्स से कितने 26 मार्क्स से आते हैं, केमिस्ट्री का 24 मार्क्स का और बायोलॉजी 25 मार्क्स का, ठीक है। 26 मार्क्स का डायरेक्ट फिजिक्स से आता है, ठीक। इसमें ज़्यादा वेटेज किया है भाई 1-2 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट क्या होंगे, इसी से। यहाँ से क्या है, जो 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो क्या फिजिक्स को उस तरीके से पढ़ो, इसको कॉन्सेप्ट वे में पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो। जो चीज़ समझ आ गई ना तो आप अपने आप लिख लोगे, तो उसको पूरा समझने की कोशिश करो। हमने पूरा चैप्टर समझाया है, हर चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन बताएं। उसको अगर टाइम होगा तो आप पूरे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है उस वीडियोस के, आप जाके पूरे प्लेलिस्ट को एक बार शांति से देख लो, ठीक है। और आई होप, मुझे लग रहा है कि आपने पूरे साइंस के एक बार वीडियो पूरे देख लिया, है ना। ये क्विक रिविजन क्लासेस है जिसमें आपको क्या झट क्या है, चीज़ें आपको तुरंत याद करनी है ना। तो देरी नहीं करते, चलो हम अपने चैप्टर्स पर चलते हैं। पहला तो समझो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट हरिसन ने आपको समझाया था साइंस का, है ना। तो अगर फिजिक्स का देखें, ये 3 इकाइयाँ हैं, 6 चैप्टर, ठीक बच्चों। अब इन 3 इकाइयों में ऊर्जा, ताप, ऊष्मा, ताप और ऊर्जा से क्या है, 7 नंबर का आएगा, जिसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, ठीक। तो जो ऊष्मा ताप से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऊर्जा स्रोत से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये हर साल का पैटर्न है और वैसे ही आएगा, ठीक। प्रकाश परावर्तन समतल सतह और गोलीय सतह से, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस जो पूरे फिजिक्स पे और साइंस के पेपर में आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स डायरेक्ट यहाँ से। और ये अच्छी बात क्या है, अथवा वाले क्वेश्चन है, मतलब क्या है, चॉइस रहेगी दोनों में। तो आप लोगों को बहुत अच्छी बात है। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लो, 10 मार्क्स पक्के हैं और 1-1 मार्क्स के लिए लड़ना है ना। तो अच्छी बात है, यहाँ से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन तो फिर हर चैप्टर में है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक वीडियो में हम पूरी चीज़ें, पूरे 6 चैप्टर को एनालिसिस कर लेंगे। एक वीडियो में 3 मार्क्स का, एक वीडियो में 5 मार्क्स का और कुछ न्यूमेरिकल रहता है उसको देख लेंगे, ठीक है। डरने वाली बात नहीं, आपने सब पढ़ा है और टाइम है, लगता है तो जाके पूरे प्लेलिस्ट से क्या करो, पूरा फिजिक्स साइंस के जितने भी वीडियोज़ हैं, हरीश सर ने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है, उसको पूरा देख लो, ठीक। चलो चैप्टर पर आ जाते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, ऊष्मा एवं तापमान, ठीक। तापमान आपने पढ़ा, ऊष्मा पढ़ा, उसी से क्या है, क्विक रिवीजन देख लो भाई। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला खराब है, ठीक। चलो आ जाओ भाई, तापमान। तापमान में क्या है, जो कब कोई चीज़ें ठंडी है या गर्म, वही क्या है तापमान। हमको बुखार होता है तो क्या बोलते हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वही क्या है बुखार, मतलब हमारा शरीर गर्म हो गया है, ठीक। तो यही क्या है तापमान। अब आपको इस चैप्टर से क्या आता है भाई, तापमान नापने के पैमाने, मतलब तापमापी। तो 3 तरह के तापमापी हैं भाई, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका क्या आता है, डायग्राम आता है या सूत्र के साथ क्या है आपको न्यूमेरिकल देगा। तो 3 मार्क्स के में या तो तीनों का डायग्राम बनाओ आ जाएगा, या क्या है आपको सूत्र के क्या है, कोई एक फ़ारेनहाइट में दे दिया, सेल्सियस में दे दिया, केल्विन में दे देना और दूसरे का मान निकालना होगा, ठीक है। तो चलो डायग्राम भाई देख लो जल्दी से। और डायग्राम में क्या बनाना है, बस इसका लोअर लिमिट क्या होता है 273 केल्विन, अपर लिमिट क्या होता है 373 केल्विन। सेल्सियस में आ जाओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में आ जाओ भाई, 1 स्केल से बनाएंगे आप लोग, है ना। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बस बताने के लिए आपको रफ डायग्राम, ठीक। यही हो गया, यही डायग्राम बनाना है। और बीच में आपको क्या इसके जो मिडिल रेंज होता है उसको लिख देना। यहाँ पे क्या है 100 केल्विन, यहाँ पे क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे क्या है 98.5 डिग्री 98 फ़ारेनहाइट। ठीक, यही चीज़ें लिख देनी है। ठीक 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, ये डायग्राम बना दो और क्या स्केल से। अब इसका सूत्र लिख लो, क्या है भाई, इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देख लो, इसी से बन जाता है k माइनस 273 माइनस 273 इक्वल c माइनस 0 100 माइनस 0 और f माइनस 32 212 माइनस 32। यही तो आपका सूत्र हो गया। इसी के अनुसार क्या है पूरा आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर जो भी क्वेश्चन आ जाए बस ये सूत्र को देख लो, हर चैप्टर बन जाएगा। ठीक, अब आ जाओ ऊष्मा पे, तापमान से उत्तरी क्वेश्चन। उष्मा से, उष्मा क्या है भाई, किसी चीज़ का हमको गर्म महसूस होना या ताप जब निकलता है तो उसमें बोलते हैं ना भाप निकल रहा है, वही क्या उष्मा है। उष्मा का संचरण कैसे होता है आपने पढ़ा होगा, चालन से, संवहन से, विकिरण के माध्यम से। तो उष्मा का संचरण आएगा तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक, इसके बाद आ जाओ उष्मा के प्रभाव। तो उष्मा के प्रभाव से ही क्वेश्चन हो सकता है, आएगा तो आएगा, है ना, कि उष्मा के प्रभाव क्या है। ताप में वृद्धि, जिसमें आपने उष्माधारिता पढ़ा। ठीक, उष्मीय प्रसार। ठीक, उष्मीय प्रसार में क्या पढ़ा भैया, गैसों में उष्मीय प्रसार क्या होता है, नियत दाब पर, नियत आयतन पर और भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन मतलब है क्या है, तो अब बर्फ से पानी, पानी से गैस, यही क्या है हमारा भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठोसों के पदार्थ में रेखीय प्रसार होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। आपने ये चीज़ें पूरी क्या है उष्मा के प्रभाव में पढ़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे भाई इस चैप्टर से, कहाँ से आते हैं भैया, न्यूमेरिकल आएगा या तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला या यहाँ पर से आता है। ठीक, तो तापमान में वृद्धि तो क्या होगा, उसके आयतन में वृद्धि होगी या उसका ताप क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो क्या गर्म होगा, अवशोषित करेगा, या ठंडा होगा तो क्या करेगा, उष्मा उत्सर्जित करेगा, यही पढ़ते हो। उसी प्रसार में गैसों का आ सकता है या तो ठोस का। तो ये चैप्टर, इस चैप्टर से क्या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अगला चैप्टर क्या था, ऊर्जा स्वरूप और स्रोत। ठीक, ये हमारा इकाई का है। ठीक है, जहाँ से क्या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको सरिशा ने पूरा कराया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन में अलग से 2 मार्क्स के नहीं दे रही हूँ। क्या करेंगे आप इस चैप्टर के जाएंगे, तुरंत क्विक रिविजन 5 से 10 मिनट में पूरा कर लेंगे। ठीक, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था भाई, ऊर्जा रूपांतरण क्या है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। जैसे क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, यही काम क्या होता है विद्युत मोटर का काम। तो उसी प्रकार ऊर्जा का बदलना, सौर ऊर्जा को क्या करते हैं हम बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक, सौर ऊर्जा से खाना पकाना, यही क्या है ऊर्जा का रूपांतरण, कि हम ऊर्जा एक फॉर्म में ले रहे हैं और उसको दूसरे फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, यही पढ़ा था आपने, है ना। तो ऊर्जा के स्वरूप क्या होते हैं भैया, पहला स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या क्या पढ़ा आपने भाई, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, इतनी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक, गतिज ऊर्जा में विकिरण ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गति ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते। स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या है, एक जगह रुकेंगे, रासायनिक ऊर्जा वहीं पर होगी, नाभिकीय ऊर्जा एक ही जगह पर होती, ये ट्रांसफॉर्म नहीं होते, एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं है। लेकिन ये क्या है, तापीय ऊर्जा प्रसार होती है, गति ऊर्जा होगी। ध्वनि क्या है, मैं बोल रही हूँ, आप क्या सुन रहे हैं, है ना, तो क्या आपके मोबाइल से आप सुन रहे हैं, तो वही क्या हो ध्वनि प्रसारित होती है, इसलिए क्या है ये गतिज ऊर्जा। ठीक, आगे आ जाओ, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके क्या है, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, बायोगैस और पवन ऊर्जा, ये सब क्या है हमारे परंपरागत स्रोत हैं। वैकल्पिक स्रोत में सौर ऊर्जा, जिसमें आप सोलर कुकर, सोलर सर्किट, और क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ज़्यादातर आपने देखा होगा क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ठीक, कि सोलर कुकर के उपयोग बताइए, सौर सेल के उपयोग बताइए, इसकी पद्धति बताइए। तो ये 2-3 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आपको करने हैं। ठीक, समुद्रों से ऊर्जा कैसे मिलती है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा इस फॉर्म में मिलती है, भूतापीय ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा, इसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन। संलयन मतलब क्या होता है, 2 नाभिक मिलकर एक बनाते हैं, और विखंडन में क्या है, एक नाभिक कई टुकड़ों में टूटता है, यही पूरा चैप्टर पढ़ा था। ठीक, तो इस चैप्टर से क्या है उस ऊर्जा के वैकल्पिक से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, जिसको क्या है पूरे चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया। ठीक, अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में क्या है इकाई 5, इसमें क्या है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, 2 तरीके से, समतल सतह से, गोलीय सतह से, आपको ये पढ़ना है। और इस चैप्टर से क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तय है, और एक 3 मार्क्स का। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं 5 मार्क्स वाले में बताऊंगी, 3 मार्क्स वाले में, ठीक है, वो सब मैं बताते चलूंगी। अभी क्या करते हैं हम पूरा चैप्टर को क्विक रिविजन देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे और क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक, चलो आ जाओ भाई, क्या है प्रकाश परिवर्तन। पहले हम लोग समतलता से देख लेते हैं, ठीक। प्रकाश का परावर्तन देखा हमने, अपवर्तन पढ़े, इसमें प्रतिबिंब पढ़ा, अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। इतनी चीजें पढ़े थे, याद है ना। चलो देखो, परावर्तन, परावर्तन के नियम, दो नियम थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और क्या था, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। तीनों क्या है, एक ही सतह में होते हैं। तो डायग्राम बनाना होगा आपको, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये आपने परावर्तन में पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, अपवर्तन, अपवर्तन पढ़ा, ठीक। इसमें पहले डायग्राम बना लो। क्या होता है भाई, जब कोई किरण विरल से सघन में आती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। सघन से विरल जाती है तो वो क्या, अभिलंब से दूर हटती है। यही पढ़ा था, ठीक। इसी में क्या हमने पढ़ा था भाई, क्रांतिक कोण पढ़ा है ना। क्या है इसमें, विरल से, सघन से विरल जा रही है तो एक मान ऐसा आएगा, जिसमें क्या होगी, ये क्या जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें क्या होता है भाई, ये क्या हुआ, सघन से विरल जा रहा है तो ये 90 डिग्री है, अब ये बढ़ गया, ठीक, और बढ़ गया तो ये क्या होगा, अंदर ही। मतलब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो क्या प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक चीज और आपने पढ़ी थी, क्या यहाँ पे, अपवर्तनांक, है ना। ये क्या होता है भाई, म्यू इज इक्वल टू माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। यही पूरा चैप्टर आपने पढ़ा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसी के बेसिस पे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। परावर्तन, परावर्तन के दो नियम, पहला क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है। दूसरा नियम, आपतन कोण, सॉरी, आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस तल पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। अपवर्तन में दो नियम क्या थे भाई, ये एंगल आई एंगल आई, तो यहाँ पे क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या होते हैं, म्यू, हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन, अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ये इसके दो नियम। उसके बाद क्या पढ़ा आपने, अपवर्तनांक पढ़ा। इसी म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ये अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा भाई, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो प्रकाश की चाल का माध्यम एक में से माध्यम दो में अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये आ गया। क्रांतिक कोण क्या है भाई, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है तो उस अपतन कोण के लिए जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। सेम क्या पढ़ा हमने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चैप्टर से इतने ही थे। इसे न्यूमेरिकल आ सकता है या इसी में से किसी चीज को डिफाइन करने, और कुछ नहीं है, ठीक। चलो आगे आ जाओ। परावर्तन के नियम, दो नियम थे, ये आया ये गया, ये क्या हुआ हमारा आपतन, ये क्या हो गया हमारा परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यही था, ठीक। यहाँ पे क्या बना दो, तो ये एंगल आई ये एंगल आर, तो पहला क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस तल पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, ये क्या होता है, परावर्तन का नियम, ठीक। अगले आ जाओ, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है भाई, वहां पे क्या था, एक समतल सतह से वो वापस जा रही थी, अब क्या होगी, ये एक पारदर्शी सतह से क्या होगी, आगे निकल जाएगी। ये किरण आई, ये अभिलंब, ये क्या होगी, इसमें आ जाएगी। तो यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, वो वापस नहीं जा रही है, क्या हो रही है, सीधे रास्ते से वो क्या हो गई, मुड़ गई, पगडंडी पे आ गई, वही क्या है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसके दो नियम क्या थे भैया, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो यहाँ पे क्या है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। दूसरा क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या है एक ही सतह पर होते हैं, ये हो गया अपवर्तन का नियम। ठीक, अपवर्तनांक क्या होगा भाई, माध्यम एक में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश का वेग, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मात्रा क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इसका कोई मात्रा नहीं होता, क्यों, क्योंकि क्या है दोनों का समान सजाती होने की वजह से क्या होते हैं, दोनों कट जाते हैं। ठीक, आगे आ जाओ, क्रांतिक कोण, पहला नियम, पहला क्या है भैया, किरण जो है वो सघन से विरल जानी चाहिए, जब सघन से विरल जाती है तो क्या है, अभिलंब से दूर हटती है, गई, दूर हटी, तो क्या हो जाएगा ये। अब एक कोण ऐसा होगा जिसके लिए क्या होगा, परावर्तन 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण वह मान है जिसके लिए क्या है, अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये था, 90 डिग्री हो रहा था। ठीक, अब ये और बढ़ा दो तो ये क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो यही क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए भाई, पहला शर्त है क्या कि ये जो किरण है वो सघन से विरल में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो क्या होगा, जो किरण है वो आगे ना जाकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही था इस चैप्टर। ठीक, इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। आगे आ जाओ, अगला चैप्टर क्या था, गोली सतह से, वो क्या था सब समतल सतह से। गोली सतह पे क्या पढ़ना था हमको, दर्पण और लेंस। ठीक, चलो देख लो भाई, दर्पण गोली सतह के कौन कौन से होते हैं भाई, अवतल और उत्तल था। अवतल क्या था, जिसका आंतरिक भाग क्या हो, परावर्तक हो। ठीक, तो किरण आके यहां से निकल जाती। उत्तल भाग क्या है भैया, जिसका बाहरी भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी। ये क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, ये सब क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण क्या है भाई, चीजों को छोटा करके दिखाता है। जैसे गाड़ियों में क्या है, गाड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं तो क्या है, छोटी करके देखते हैं हम लोग अपनी गाड़ियों में, गाड़ियों को इधर पीछे वाली, जैसे कार आ रही है तो हमारे पीछे वाली लाइट में दिखती है, दर्पण में दिखता है, तो वो सब क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, इसमें आपने क्या देखा, प्रतिबिंब की रचना देखी है ना, और क्या देखा आपने, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, एक ये होता है आवर्धन h1/h और -v/u, यही क्या था आपका आवर्धन था। ठीक, लेंस में आ जाओ। लेंस क्या होता है, दो परवलयाकार सतहों का मिलन होता है। ठीक, ये भी क्या होता है, अवतल और उत्तल। अवतल क्या होता है, बीच से दबा हुआ और बाहरी भागों पे उभरा हुआ। उत्तल क्या होता है, बीच में उभरा हुआ और ऊपरी भागों, ऊपर और नीचे क्या हुआ, दबा हुआ। यही क्या होता है अवतल और उत्तल। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है अपसारी और ये क्या हो जाता है अभिसारी। आपने अभी इस दोनों के क्या है, आप प्रतिबिंब की रचना देखेंगे और दर्पण सूत्र के। अब क्या लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही आवर्धन h1/h और v/u। यही दोनों चीजें कि आपको दर्पण और लेंस में पढ़नी है। और इसी से क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं, या तो लेंस का आएगा या तो दर्पण का आएगा। सूत्र इन्हीं दोनों को यूज करके क्या है, दर्पण के में प्लस होता है, लेंस के में माइनस होता है। इतनी चीजें याद रखनी है, बाकी पूरा चैप्टर आपको बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपको हो सकता है अवतल और उत्तल में क्या डायग्राम बनाना आ जाए, तो ये चीजें आपके हमें पहले पूरा बता चुकी हूँ, फिर भी क्विक रिवीजन करते हुए हम क्या है बनाते चलेंगे। ठीक, चलो 2 मिनट बच्चों। अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो रही होंगी, लेकिन क्या है कि क्विक रिवीजन, ताकि आपको पूरे चैप्टर क्या है मैं समझा दूं, उसके बाद क्या है आपको एक बार पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। अच्छा हाँ ये होता है, तो उसके बाद आप कुछ भी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी और आप क्या है बहुत अच्छे से इसको क्या है पूरे हर क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। इसलिए क्या है माइंड मैप के थ्रू, मतलब क्या है पूरा सीक्वेंस बना दो, अच्छा ये पढ़ा था, अरे हो गया, उसके बाद क्या है बस सॉल्यूशन तो करना है। ये चीज़ें एक बार माइंड में छप गई ना, ये वीडियो अच्छे से देख लिए, पूरा 6 चैप्टर एक बार में आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ। गोली दर्पण क्या है भाई, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है। ठीक, या तो ये होगा या तो ये, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अंदर की ओर है। ठीक, उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो। आगे अवतल उत्तल। ठीक, गोली दर्पण और फोकस के मध्य, फोकस और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ठीक अवतल दर्पण है, यहाँ से क्या है ये आई किरण ऐसे गई। ठीक, तो ये क्या है फोकस होता है, ये हमारा क्या होता है सी। तो सी और पी के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, आर, और पी और एफ के बीच क्या होता है हमारा एफ। तो इनके मध्य संबंध क्या होता है भाई, F इज इक्वल टू क्या होता है R/2, मतलब फोकस दूरी जो है वो क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को हो सकता है आपको डेरिवेशन आ जाए, तो ये जब 5 मार्क्स से क्वेश्चन कराऊंगी तो इसको पूरा डेरिवेशन को बताते हुए चलूंगी, मैंने पहले भी बताया है, और ये डेरिवेशन हो सकता है 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आए। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना, इसमें 6 केसेस पढ़े थे, मैं लिख सिर्फ डायग्राम बनाते जा रही हूँ, आप समझते जाइएगा। ठीक है, पहले अवतल दर्पण बना लो। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम लोग 4 नियम देख लेते हैं। ठीक, मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करती हूँ, नियम बता देती हूँ। प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम पढ़े थे हमने। ठीक, पहला नियम क्या था भाई, देखो ये क्या था हमारा ध्रुव, ये क्या होता है हमारा फोकस, ये क्या होता है हमारा केंद्र, ये क्या होता है हमारा मुख्य अक्ष, क्या होता है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये अब पहला क्या था, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या था भाई हमारा, पी एफ सी, तो अगर फोकस से होकर जाएगी आती है तो क्या होती है मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। तीसरा नियम क्या था भाई, सी से आती है तो क्या है वापस टकरा के चली जाती है। चौथा नियम क्या था, पी पर जिस कोण पर आती है उसी कोण से आगे निकल जाती है। इतने 4 नियम थे, और इसी 4 नियमों के आधार पर हमने क्या किया था, पूरे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम क्या है प्रतिबिंब की रचना करते हैं। ठीक, चलो अवतल दर्पण में देख लेते हैं। पहला क्या है, जब क्या है इन्फिनिटी पे है, मतलब क्या है अनंत पे है, तो अनंत पे है मतलब कहीं से भी आएगी। पैरेलल आई फोकस से गई, पैरेलल आई फोकस से गई, पैरेलल आई फोकस से गई, तो कहाँ पे बन रहा है भाई, फोकस पर। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। ठीक, और अगर जिस किरण जिस ओर आ रही है उसी ओर बनती है तो क्या बनता है, ये कौन सा हुआ आभासी, उधर बनेगा तो क्या हुआ वास्तविक। ठीक, अगला यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और उस साइड बनेगा वो क्या होता है हमारा आभासी होता है। ठीक, अब क्या है दूसरा क्या है, ये सी और इन्फिनिटी के बीच में हो तो क्या हुआ, यहाँ पे है ये सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। ठीक, पैरेलल आई किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से गई किससे होकर जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो कहाँ पे बनता है भाई, ये सी और एफ के बीच बनता है। ठीक, अगला क्या है भाई, ये F हो गया, C हो गया। अब कहाँ पे आ गया, C पे आ गया। तो पैरेलल आएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आई पैरेलल गई, तो कहाँ पे बनता है एग्जैक्ट, C पे। C पे ही है तो कहाँ पे बनता है, C पे ही बनता है। अगला आ जाओ F और C, C और F के बीच है, पैरेलल आएगी, फोकस से होकर गई, फोकस से आई पैरेलल चली गई, फिर से देख लेते हैं। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आई पैरेलल जाई, तो ये कहाँ बनता है, सी के पार। कहाँ बना, सी के पार। अब कहाँ पे आ जाओ भाई, एफ पे आ जाओ। पैरेलल आई फोकस से गई, पी पे जाएगी फोकस से जाएगी, तो ये कहाँ बनता है, अनंत पर। ठीक, अब लास्ट क्या था हमारा, F और P के मध्य। ठीक, यहाँ पे पैरेलल आएगी, C से होकर जाएगी, P पे आई ऐसे निकल गई, तो ये इधर नहीं मिलती। क्या करते हैं फिर, इसको हम पीछे ले जाके मिलाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे बना मतलब क्या हो गया, वो आभासी। अभी तक कितना बन रहा था, पर्दे की जिस ओर रेखा आ रही है उसी ओर था, तो क्या था ये, बाकी सब कैसे थे, वास्तविक। वो बस क्या बनता है, आभासी। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब क्या है, उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण बना लो भाई। उत्तल दर्पण का क्या होता है, बाहरी सीधा परावर्तक होता है, तो इसका C इधर होगा, F इधर होगा। क्या है, जब वस्तु अनंत पर है, फोकस पैरेलल आएगी, फोकस से निकल गई, पैरेलल आई फोकस से होकर निकल गई, तो कहाँ पे बन रहा है, F पर। कैसा, बिंदु आकार का। और कैसा बन रहा है, आभासी। ठीक, जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो, पैरेलल आएगी, फोकस से निकल जाएगी, और एक क्या था भाई, सी पर जाती है। ठीक, तो ये कहाँ बनता है, एफ और सी के मध्य। पैरेलल आई, तो ये कहाँ बनता है, F और C के मध्य। ठीक, तो ये पूरे क्या है, आपको अवतल और उत्तल में क्या है, प्रतिबिंब की रचना देखनी है, और इसी के आधार पर क्या है आपके क्वेश्चन हो सकता है अवतल दर्पण पर क्या करे, आपको प्रतिबिंब की रचना दे दे, या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना दे और क्या पूछे, आपके इसके उपयोग बताना। तो क्या है, आपको ये दोनों चीजें बतानी होंगी। ठीक, आगे आ जाओ। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, लेंस। तो लेंस क्या होता है भाई, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, ऐसे या ऐसे, यही क्या होता है लेंस। दर्पण क्या था, एक ही पृष्ठ था, अब क्या ये दो पृष्ठों से घिर गया, तो ये क्या बन जाता है, लेंस। ठीक, इसमें क्या होता है, एक उत्तल और एक अवतल। तो किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दोनों गोलीय पृष्ठ उत्तल लेंस होते हैं, और क्या मध्य पे दबे हुए और द्विउत लेंस के अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ, यह बीच में पतला किनारों से मोटा होता है, तो ये क्या होता है, अवतल लेंस होता है। उत्तल और अवतल देख लिए। ठीक, आपको फिर क्या है, इसमें आपको वही प्रतिबिंब की रचना है, लेकिन लेंस से नहीं आता, आएगा तो क्या है, दर्पण से। ठीक है, अब आ जाओ लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, मतलब वो किरणों को अपसारित करता है या फैलाता है, वही क्या कहलाते हैं, लेंस की क्षमता। तो इससे क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का हो सकता है आए, तो आपको क्या बताना है, लेंस की शक्ति उस पर पड़ने वाले प्रकाशीय किरणों को अभिसरण या अथवा अपसारण करने की क्षमता है। ठीक, लेंस की शक्ति को मीटर में उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात से करते हैं, मतलब लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, यही क्या होती है लेंस की क्षमता। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, डायोप्टर होती है। इतनी चीजें आपको बतानी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब दर्पण और लेंस के दोनों सूत्रों को देख लेते हैं भाई। दर्पण में क्या है, 1/F = 1/V + 1/U। ठीक, ये होता है आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या -V/U। ठीक, यहाँ V क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी यू क्या है, वस्तु की दूरी, कहाँ से, दर्पण से। ठीक, दोनों में वही होगा। लेंस में क्या होता है, 1/F = 1/V माइनस 1/U। ठीक, आवर्धन सेम, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई या V/U। तो यहाँ पे V/U में माइनस नहीं है भैया, यहाँ पे माइनस है, ये चीजें अच्छे से ध्यान रखना। वही लेंस में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे दर्पण में प्लस है। इसी दोनों बस में आप लोग कंफ्यूजन होते हो और गलत करते हो। पूरा आंसर सही बना, सॉल्यूशन सही करते हो, लेकिन एक प्लस माइनस की वजह से क्या है, आंसर गलत होता है। इसी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी। 4 चैप्टर हो गए, पता चला आधे घंटे में पूरा चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ लिए। बोलते हो रिविजन नहीं हुआ है, 80% भूल गए, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, हो तो गया रे भैया। 2 चैप्टर बचा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत। तो आवेश की प्रवाह क्यू, विभवांतर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह आवेश को लेकर जाना, वही क्या है, विभवांतर। अनंत से आवेश को क्या है, विद्युत क्षेत्र में लेके आना ही क्या है, विभव है। विभवांतर होता है तो क्या हो, आवेश प्रवाह। आवेश प्रवाह हुई मतलब क्या हुआ, विद्युत हुआ। यही तो पढ़ना था इस चैप्टर में। तो अगला चैप्टर क्या है, विद्युत धारा एवं परिपथ। देखो पहला क्या पढ़ा हमने, आवेश। आवेश क्या होता है, Na। आवेश का क्या होता है, मात्रक कूलम। फिर क्या पढ़ा हमने इसमें, विभव क्या है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में लेकर आने के लिए किया गया कार्य क्या है, विभव। तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश, कितने आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट, और इसको किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। अब आ जाओ धारा, विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर मतलब आवेश बट्टे समय, ठीक, कूलम बट्टे सेकंड, इसका क्या होता है, एम्पियर, और इसको किससे नापते हैं भाई, अमीटर से। ठीक, फिर क्या आता है, हम ओम का नियम पढ़े। ओम का नियम क्या कहलाता है, जब क्या है उसका फिजिकल क्वांटिटी ना बदले, जैसे ताप हो गया, उसकी लंबाई चौड़ाई आयतन कोई भी परिवर्तन ना हो, तब इसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। और समानुपात को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, Re, और R को ही क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। फिर क्या पढ़ते हो भाई, प्रतिरोधों का संयोजन, इसका क्या हो जाता है, यूनिट ओम। प्रतिरोधों का संयोजन किसमें पढ़ते हो, श्रेणी क्रम में। इसमें क्या है, एक का सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का तीसरे के, समानांतर, सबका प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा क्या है, एक साथ जुड़ा होता है। तो इसका आर टोटल क्या होता है, सभी का प्लस कर दो। इसका आर टोटल क्या होता है भाई, 1/R टोटल, R1, R2 + R3। इतना ही तो इस चैप्टर में है, यही इतने ही से तो क्वेश्चन आएगा। और कहाँ से आएगा, विद्युत शक्ति वो क्या होती है, V into I, विद्युत शक्ति से आगे क्वेश्चन। बस इतना ही पूरे चैप्टर में है, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, ओम का नियम क्या है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है। समानुपाती हटाते हो तो आर आता है, आर को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध किस पे डिपेंड है भाई, लंबाई पे, आयतन पे, उस लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, तापमान पे, और किससे चालक बना है उस पे। चैप्टर खत्म। क्या पढ़ना था, इतना ही तो पढ़ना था। ओम का नियम, किसी बंद परिपथ में संयुक्त तालक के भौतिक परिस्थितियां ना बदले, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, तो चालक के तार पर सिरे उत्पन्न विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। बस V समानुपात I, तो V समानुपात I है = RI। R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध कहते हैं। इतना ही चैप्टर में पढ़ना था। ठीक, इसके ग्राफ बनाने आता है। विभव इधर क्या है, धारा। बस एक सीधी रेखा जाती है क्योंकि दोनों समानुपाती हैं। जैसे विभव बढ़ता जाएगा आपका, धारा बढ़ता जाएगा, तो क्या एक सीधी रेखा मिलेगी। यही क्या है, ओम का नियम। चालक का प्रतिरोध इसकी परिभाषा आएगी और इसका क्या है आपका ओम, इसका क्या है मात्रक है। इसी से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। इसका क्या संयोजन श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। बस इतना ही तो करना था। चालक के प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं भाई? पदार्थ की प्रकृति, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के तार पर। इतनी चीजें बतानी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये बता के क्या करना लाम, जैसे चालक क्या, चालक की प्रकृति के बाद अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग होगा। लंबाई का क्या होता है समानुपाती, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, और क्या चालक के ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इतनी ही बस बतानी है, हो गया 3 मार्क्स पक्के। 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा तो इसी को बस लिखना है। और क्या हर चीज को क्या बताओगे भाई? चालक की लंबाई के समानुपाती होती है, जैसे अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं चालक का उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। चालक का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है कम होता है। तापमान, तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी चीजों को क्या है आपको बता देना है। लास्ट क्या था? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव मतलब क्या, ये विद्युत से कनेक्टेड है। इससे 5 मार्क्स से क्वेश्चन डेफिनेट क्या आएगा? विद्युत मोटर या तो जनित्र मोटर, आईएस। ठीक है, विद्युत मोटर आएगा या तो डायनेमो, वही जनित्र मोटर। इसी से क्वेश्चन, इसको रट लो, डायग्राम बना लो, रट लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, चलो आगे देख लो। चुंबक, चुंबक के बाद क्या पढ़ा था भाई? चुंबक क्या होता है? एक बार मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक, इसी नॉर्थ और साउथ पोल से क्या निकलती हैं? चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, जो कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर की ओर, और अंदर क्या है साउथ से नॉर्थ आती है। यही क्या है चुंबकीय बल रेखाएं। इसके क्या है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये बाहर की ओर नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती हैं, अंदर की ओर दक्षिण से नॉर्थ आती हैं। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जहाँ पे पास होती हैं वहाँ पे क्या चुंबकीय बल रेखाएं, जहाँ पे पास होंगी मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, दूर होंगी मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। इतनी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। और क्या है दो दाएं हाथ बाएं हाथ, दाएं हाथ बाएं हाथ, इतना ही तो करना था। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, डायग्राम बनाना होगा आपको। बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, अंदर की ओर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। ठीक, पहला उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, दूसरा बंद वक्र होती हैं, पास हैं तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा है, पास है मतलब क्या है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, दूर है मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम है। इतनी ही चीज़ें इसमें लिखनी है। यही 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा। 3 से 4 क्या है गुण बताने हैं आपको। और क्या करना है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की दिशा, दाहिने हाथ का नियम क्या था भाई? अगर ये क्या है धारा की दिशा बता रही है तो उसके अराउंड क्या है ये घूमने वाली, सॉरी राइट हैंड, अगर ये क्या है आपको धारा तार क्या है धारा की दिशा बता रही है तो ये उंगलियां जिस ओर घूम रही है वो क्या बता रही है आपको चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा। यही क्या था लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, उसके बाद क्या आ जाओ भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, क्या था ये? क्या था आपको क्या दिखाती है चुंबकीय बल की दिशा दिखाती है और उस पर बहने वाली धारा। तो अंगूठा क्या बताता है हमारा बल की दिशा कि बल किस ओर लगेगा। राइट हैंड का इसी के ऊपर क्या डिपेंड करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है यांत्रिक ऊर्जा। हमारे मिक्सी पंखा ये सब क्या है इसी पे डिपेंड करते हैं कि भाई जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस देते हैं पंखे को पंखा घूमने लग जाता है, मिक्सी को जैसे हमने बटन चालू किया मिक्सी घूमता है मतलब क्या दिया उसको बिजली दिया, बिजली देने से क्या होते घूमते। यही क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जिसमें तर्जनी क्या बताती है हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की रेखाएं की दिशा, ये धारा तो ये क्या है बल की दिशा किस ओर बल लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या है राइट हैंड का नियम। ये क्या बताती है भाई चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, गति की दिशा तो ये हमारा मध्यमा क्या बताती है कि उधर कौन सी धारा किस ओर बहेगी। ठीक, यही क्या है हमारा राइट हैंड का नियम। इसी पे डिपेंड क्या होता है हमारा डायनेमो। ठीक, ये क्या करता है ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब क्या है हमें उसको बल दिया, विद्युत क्षेत्र डेवलप किया तो अपने आप क्या होगी धारा बहने लगती है। यही क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। ठीक, क्या धारा बहाए बल दिया तो अपने आप क्या होती है, सॉरी चुंबकीय बल क्षेत्र डेवलप किया, वहाँ पे बल लगाया, तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, स्वतः क्या हो गई, उसमें धारा बहने लगी। इसी को कहते हैं स्वप्रेरणा, मतलब सॉरी दूसरे से प्रेरणा लेके क्या हुई, धारा बहने लगी। ठीक, इसी पे डैम्पेंट क्या होता है हमारा, डायनेमो, जो क्या है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो यही विद्युत मोटर या क्या है आपके डायनेमो से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये दोनों को कर लो, डायग्राम बना लेना, उसकी पद्धति मैंने पहले पूरे चैप्टर पहले बताया हुआ है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन वाले में फिर से बताऊंगी। ठीक, तो ये बच्चों क्या है पूरा आपने 6 चैप्टर आधे पौन घंटे में कर लिया। अब आपको डर है क्या फिजिक्स नहीं होगा, बताओ, हो जाएगा, 100% है। ठीक है, पहले के वीडियोस देख लो, बुक को एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद है क्या 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन बचे हैं, हम क्या है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक रिवाइज एक बार अच्छे से कर लो, टॉपिक्स को पूरा लिख लो, फॉर्मूले को लिख लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में कुछ में 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो।